हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह की ट्रेजर पैंट की डिज़ाइन बताने वाली हूँ कि किस तरह से बनाएं। तो उसके लिए हम अपना ट्रेजर पैंट का बॉटम की विड्थ मेजर कर लेंगे कि कितना है। तो यहाँ पर हमारा बॉटम विड्थ है एंकल ओपन का 13.5 इंचेस, तो उसमें हम 14 इंचेस माप लेंगे। तो उसके बाद हम एक प्लेन फैब्रिक लेंगे, वही ट्रेजर पैंट की सेम एज इट इज़, और 2 इंचेस पे हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, और पट्टी कट कर लेंगे। ऐसे ही हम बहुत सारे फैब्रिक्स कट कर लेंगे 2-2 इंचेस की पट्टी डिज़ाइन के लिए। तो मेरे पास जितना भी फैब्रिक था उसमें मैंने ये 2-2 इंचेस की फैब्रिक पट्टी कट कर ली है। तो यहाँ पे इस तरह से पट्टी कट कर लेने के बाद हम एक पट्टी को दूसरे पट्टी से इस तरह से जॉइन करेंगे ताकि एक लंबी सी एक पट्टी बन जाए 2 इंचेस की। तो मेरे पास टुकड़े थे उसमें, इसलिए मुझे इतने सारे कट करने पड़े 2-2 इंचेस के पट्टी। तो इस तरह से हम पूरे पट्टी को जॉइन करेंगे एजेस पर। ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद इसका आउटलुक मुझे इंस्टा पे आप भेज सकते हैं। मैं इंस्टा के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर मुझे आप बनाई हुई पिक भेज सकते हैं ये डिज़ाइन की। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट्स कर लिए हैं पट्टी। अब हम इसे दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से एक और फोल्ड करके पूरी पट्टी पर इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे हम 2 फोल्ड करते हुए जितनी भी पट्टी है वो सारी पट्टी हम स्टिच कर लेंगे। मैं ये वीडियो आपको फुल डिटेल में बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है जो आपको वीडियो में समझ में नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे और डिज़ाइंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो यहाँ पे मैंने फुल जितनी भी पट्टी थी उसमें मैंने 2 फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर ली है इस तरह से। अब हम एक पेपर ले लेंगे, आप कौन सा भी पेपर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर। उसमें हम 15, तो हमारा 13.5 था, तो मैं यहाँ पे 14.5 पर एक मार्किंग करूँगी और 4 इंचेस विड्थ लूँगी, टोटल 14.5 × 4। और अब हम 14.5 × 4 की कटिंग कर लेंगे। तो मैं ही पेपर कटिंग के लिए अलग के सीज़र यूज़ करती हूँ। जो मैं क्लॉथ पे यूज़ करती हूँ वो सीज़र मैं यूज़ नहीं करती हूँ पेपर पर। अब हमने जो पट्टी स्टिच करी थी उसी से हम 4-4 इंचेस के स्ट्रिप्स कट कर लेंगे इस तरह से, वो पट्टी में इस तरह से 4-4 इंचेस के हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। आसानी से हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा, एंड इसके स्ट्रिप्स इस तरह से कट कर लेंगे। इजी टेक्निक है इस तरह से स्ट्रिप्स कट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स कट कर लिए। अब हम यहाँ पे पेपर पर रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम 1.5 इंचेस की मार्किंग कर लेंगे पेपर पर इस तरह से,
क्योंकि 1 पॉइंट मार्किंग इसलिए करेंगे क्योंकि पट्टी लगाने में हमें कुछ भी ऊपर नीचे ना हो कि एक जगह कम एक जगह ज़्यादा स्पेस आए, इसके लिए हम 1.5 इंचेस की मार्किंग करेंगे और उसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग के ऊपर रखते हुए पट्टी स्टिच करेंगे इस तरह से। जहाँ पर हमने 1.5 की मार्किंग की है वहाँ पे हम ये स्ट्रिप रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है जो आपको समझ में नहीं आया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे और डिज़ाइंस के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो इस तरह से हमने एक साइड स्टिचिंग कर ली है स्ट्रिप लगाकर। अब हम इसकी दूसरी तरफ भी सेम एज इट इज़ स्ट्रेट करते हुए स्ट्रिप वही मार्किंग पर 1.5 इंचेस की मार्किंग पर पेपर पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। आप यही डिज़ाइन सेम स्लीव्स पर भी लगा सकते हैं। आजकल पाकिस्तानी सूट्स पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ये स्लीव्स पर लगा सकते हैं या बॉटम पे भी लगा सकते हैं, ट्रेजर बॉटम या सलवार में भी। ज़रूर ट्राई करें ये डिज़ाइन आप लोग। तो इस तरह से मैंने कट स्टिचिंग कर ली है। अब जो भी हमारी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है स्टिचिंग करने के बाद उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम जो बचा हुआ स्ट्रिप है उसे हम इस तरह से लगाएंगे, एक स्ट्रिप के ऊपर और एक स्ट्रिप के अंदर, इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए एक लंबी वाली स्ट्रिप इस तरह से लगाएंगे और नीचे कटिंग कर लेंगे स्ट्रिप की जो भी है लेंथ के बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम और एक स्ट्रिप अंदर करेंगे, इंसर्ट करेंगे सेम एज इट इज़ पहले वाले जैसा, सेम वैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा सेम एज इट इज़ जितना भी है फैब्रिक बच रहा है, पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे, पेपर पर अटैच करेंगे स्ट्रिप इस तरह से। दूसरी तरफ सेम बराबर करते हुए हम स्टिचिंग करेंगे पहले, उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करेंगे। पहले हम इस तरह से पेपर के ऊपर स्टिचिंग करेंगे पट्टी के आते हुए, उसके बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारी डिज़ाइन की स्टिचिंग। अब हम इसे ट्रेजर बॉटम में लगाएंगे। तो हमारा ट्रेजर पैंट ले लेंगे जो एंकल ओपन है, उसके राइट साइड में जो सीधा वाला साइड है वहाँ पर हम पेपर व हमारा डिज़ाइन जो है उससे रॉन्ग साइड पर रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। ध्यान रहे कि डिज़ाइन और हमारा एंकल बॉटम दोनों राइट साइड फेस करते हुए रखें, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में इस तरह से। और हम हाफ इंच का स्पेस देते हुए इसकी पेपर की स्टिचिंग करेंगे हमारे एंकल बॉटम पर डिज़ाइन की। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर ली। अब हम डिज़ाइन स्ट्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसके बाद हम एक और स्ट्रिप ले लेंगे जो कि है 2 इंचेस की। 2 इंचेस की हम एक और स्ट्रिप कट कर लेंगे और हमारा एंकल बॉटम का डिज़ाइन ले लेंगे और हम सीधी तरफ इस तरह से सीधी तरफ रखते हुए पट्टी स्टिच करेंगे, हाफ इंचेस का गैप मार्जिन देते हुए हम डिज़ाइन के पैंट के सीधे तरफ रखेंगे ये पट्टी को इस तरह से, एंड हाफ इंच मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई करेंगे। इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और हम पैंट को उल्टा कर लेंगे एंड इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे फिनिशिंग के लिए।
तो इस तरह से वन फोल्ड करते हुए हम पूरी नीचे तक स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है, अब हम इसे सीधी तरफ करेंगे और जो ऊपर हमने अटैच किया था पैंट के ऊपर हम इस तरह से फिक्स स्टिचिंग करेंगे ताकि ये जो डिज़ाइन है वो हिले नहीं। ये पहले ही करना होता है तो मैं भूल गई थी, तो इसलिए अभी आपको बता रही हूँ इस तरह से। तो उसके बाद ये देख सकते हैं पेपर हम ये जो है निकाल लेंगे, ये डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हम ये पेपर निकाल लेंगे, अब चाहे कुछ भी न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, तो मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं था तो इसलिए मैंने ऐसा लगाया है ये वाला पेपर। उसके बाद आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे और इसका जो भी अपना मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है हमारे बॉटम की। तो मैं यहाँ पे स्लीव्स पे बता रही हूँ, हाथ में पहनकर इसका डिज़ाइन इस तरह से आया है। और अब ये पैंट का फाइनल लुक देखिए कि किस तरह से है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।